भाई अब डी फार्म करना बी फार्म से भी मुश्किल हो गया है, ऐसा क्यों है? ऐसा या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अब बी फार्म करना डी फार्म से आसान हो गया है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी जो है वो आसान हो गया है डिप्लोमा इन फार्मेसी से। क्या है इसके पीछे का पूरा सच और मैं ऐसा क्यों आपको बोल रही हूँ और बी फार्म और डी फार्म दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आज के इस वीडियो में सारी चीजें आपको क्लियरली समझाऊंगी। क्या करना सही रहेगा 2022 के बाद या फिर 2022 में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं फार्मेसी में तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, सारी चीजें आज के इस वीडियो में क्लियरली समझाऊंगी, डिटेल में समझाऊंगी। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। जैसे कि आप सब जानते हैं मेरा हर वीडियो पॉइंट टू पॉइंट होता है, तो कॉपी और पेन आप लेके बैठिएगा या फिर अपने दिमाग में मेरे सारे पॉइंट्स क्लियरली सेट कर लीजिएगा जिससे कि आपको आसानी हो। आप अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं फार्मेसी में तो आप अच्छे से चूज कर सके कि आप बी फार्म में ले या फिर आप डी फार्म में एडमिशन ले। सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, क्या डिफरेंस होता है डी फार्म और बी फार्म में, डिफरेंस बिटवीन बी फार्म एंड डी फार्म, दोनों में हमें डिफरेंस देखना है। अब डी फार्मेसी क्यों मुश्किल हो गया है बी फार्म से, या फिर बोल सकते हैं अब बी फार्मेसी कैसे आसान हो गया है डी फार्म से, सारी चीजें आज के इस वीडियो में क्लियरली समझाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, एक ऑफिशियल नोटिस मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो कि 2018 में आया था। ये ऑफिशियल नोटिस क्या है, जैसे कि आप सब जानते हैं डी फार्म में अब एग्जिट एग्जाम स्टार्ट हो गया है, होना कैसे है क्या होगा वो अभी किसी को कुछ भी नहीं पता है क्योंकि पहली बार ये होने वाला है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि जो ये नोटिस आया था, ये जो एग्जिट एग्जाम वाला कि एग्जिट एग्जाम लागू होने वाला है फार्मेसी में, वो डी फार्म के लिए 2018 में ही ये नोटिस आ गया था, ऑफिशियली ये नोटिफाई कर दिया गया था 2018 में ही। लेकिन जो ये सर्कुलर जारी हुआ है 2021 से हुआ है, कब से हुआ है 2021 से ऑफिशियली ये जारी कर दिया गया। साथ ही साथ लेकिन 2021 का भी जो बैच पास आउट हुआ है उनका भी एग्जिट एग्जाम नहीं हुआ, उनका एग्जिट एग्जाम कब होना है 2022 में होना है, कब होना है 2022 में होना है। तो अब आपको क्या समझना है, अगर कोई भी चेंज होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट के अंडर ये सारी चीजें आती है, तो 2018 में जो चेंजेस आए वो लागू कब हुए 2022 में, इसका मतलब है 4 साल बाद, और अब वो एग्जिट एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, सारी चीजों पे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि बी फार्म और डी फार्म में से क्या करना आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा, क्या करना आपका लिए बिल्कुल ठीक रहेगा बी फार्म या फिर डी फार्म। अब देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, सारे पॉइंट्स कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन बी फार्म एंड डी फार्म। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेम ऑफ द कोर्स। देखियो मेरा ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये वीडियो स्किप करके मत जाना, अगर आपने एडमिशन भी ले लिया है तब भी स्किप मत करके जाना, क्योंकि आज मैं कुछ इंपॉर्टेंस आपको बताने वाली हूँ। तो शायद मेरा वीडियो देखने के बाद आप अपना डिसीजन चेंज करें, शायद मेरा वीडियो देखने के बाद आपको काफी नॉलेज मिल सके अपने फील्ड से रिलेटेड। तो वीडियो को कोई भी स्किप मत करना, लेने वाले हो एडमिशन, इंटरेस्ट रखते हो फार्मा फील्ड में, ले चुके हो एडमिशन, सबको ये वीडियो देखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेम ऑफ द कोर्स जो मैंने लिए यहाँ पे पार्टिकुलर्स, और उसके बाद यहाँ पे बैचलर ऑफ फार्मेसी के हैं और यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी के, दोनों में डिफरेंशिएट यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो नेम ऑफ द कोर्स की बात करो तो बी फार्म को बोलते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी और डी फार्म को बोलते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी। बात कर लेते हैं एजुकेशन लेवल की, एजुकेशन लेवल की अगर मैं बात करूँ तो जो बी फार्म है वो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जो कि आपका ग्रेजुएशन, जब आप बी फार्म कर लेते हैं तो वो आपको जाता है ग्रेजुएट हो जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ डी फार्म की तो ये है नॉन ग्रेजुएट कोर्स। देन है टाइप ऑफ कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो बी फार्म है ये डिग्री कोर्स है, और यहाँ पे अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात करूँ, मतलब डी फार्म की बात करूँ, तो ये एक डिप्लोमा कोर्स है। टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स ये जो आपका बी फार्मेसी है 4 साल का है और डी फार्म जो है वो 2 साल का है। क्लियर। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो अगर जो आपका बी फार्म है उसमें भी आपके 10+2 होना चाहिए, मतलब आप 12th पास आउट होने चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 55% मार्क्स किस में होने चाहिए, पी सी एम या फिर पी सी बी में, इन तीनों में 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग क्राइटेरिया है, ये हो जाता है 45% से शुरू। अगर मैं आपको सही बताऊं 45% अगर आपके पीसीबी और पीसीएम में, तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अगर डी फार्म की बात करूं तो वही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए है। बात कर लेते सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट की तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अगर आप है,
तो भी कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आप हैं तो भी आप कर सकते हैं, दोनों के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एडमिशन क्राइटेरिया की बात करूं तो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ये एडमिशन होते हैं। द स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश में AKTU यूनिवर्सिटी है जो कि बी फार्म करवाती है, BTE यूपी है जो कि डी फार्म करवाती है, ठीक है। तो दोनों ही यूनिवर्सिटी यहाँ पे अलग है बी फार्म और डी फार्म के लिए। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे एक ही यूनिवर्सिटी दोनों कोर्सेज करवाती है, बी फार्म भी और डी फार्म भी, ठीक है। तो ये हो गया स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, ये क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बी फार्मेसी करवाती है, ठीक है। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ये आते हैं। बात कर लेते हैं करियर स्कोप की। सो बी फार्म करने के बाद आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, फार्मा कंसल्टेंट बन सकते हैं, और भी काफी सारे इसमें आपको मिलेंगे स्कोप, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगर आपने डी फार्म किया है तब क्या करियर स्कोप है। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट, एज एक फार्मासिस्ट तो आप बन ही जाएंगे जैसे ही आप डी फार्म में कर लेंगे। फार्मासिस्ट बन गए तो फार्मासिस्ट की अथॉरिटी आपको मिल गई, आप किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, आप किसी मेडिकल स्टोर पे जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं। बात कर लेते हैं फार्मेसी स्टोर, वही मेडिकल स्टोर। एजुकेशन सेक्टर में आप अपना करियर बना सकते हैं, जैसे कि अभी PCI का एक और नोटिफिकेशन आया था डी फार्म स्टूडेंट के लिए, काफी यूजफुल था वो नोटिफिकेशन। PCI ने क्लियर कर दिया है, चाहे कोई बी फार्म का कॉलेज हो, चाहे कोई एम फार्म का कॉलेज हो, चाहे कोई फार्म डी का कॉलेज हो, फार्म डी का कॉलेज हो, सब में जो लेबोरेटरीज में बंदे होंगे वो होंगे कौन, डी फार्म वाले। डिप्लोमा इन फार्मेसी जिसने किया है वही किसी भी फार्मेसी कॉलेज की लेबोरेटरीज में सिर्फ डी फार्म का बंदा ही अपॉइंट किया जाएगा। तो ये काफी बड़ा सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए, तो आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी में। देखिए यहाँ पे अगर मैं लेवल की बात करूं तो बैचलर ऑफ फार्मेसी जो है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है वो फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स है, ग्रेजुएशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। ग्रेजुएशन और डिप्लोमा में क्या फर्क है, यहाँ पे हम लोगों को क्या दिक्कत हो सकती है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अगर वैकेंसी निकलती है उसमें ग्रेजुएट मांगा गया है तो आप यहाँ पे ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज, आप अगर स्टैंडर्ड एजुकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं आप, डी फार्म के बाद आपको बी फार्म ही करना पड़ेगा, उसके बाद आप एम फार्म करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है तो आप मास्टर्स नहीं कर सकते, आप PhD नहीं कर सकते, क्लियर हो रहा है। तो आपकी एजुकेशन वहीं के वहीं रुक जाएगी, या तो आप डायरेक्ट बी फार्म करो या फिर आप डी फार्म करने के बाद बी फार्म करो, फिर एम फार्म करो, फिर PhD करो, ये प्रोसीजर है। अब तो कर दिया है कि ग्रेजुएशन के जस्ट बाद आप PhD कर सकते हैं। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं, ड्यूरेशन जो इसमें है 4 साल का होता है आपका बी फार्म, आप जानते ही हैं, यहीं पे डी फार्म आपका 2 साल का होता है। उसके बाद कोर्स फोकस की बात करूं, इन कोर्स ऑफ बैचलर फार्मेसी स्टूडेंट स्टडी मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ड्रग्स एंड मेडिसिन एटसेट्रा। वहीं पे जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो जनरल फार्माकोलॉजी होती है वो पढ़ाई जाती है, मतलब बेसिक्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। अब देखिए, आप खुद फर्क देखिए कि डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है 2 साल का कोर्स है, बच्चे को बस 2 बार पेपर देने हैं 2 साल में, वहीं पे बैचलर इन फार्मेसी 4 साल का कोर्स है और बच्चे को जो पेपर देने वो 8 बार देने हैं, 8 सेमेस्टर में 8 बार उसका सिलेबस चेंज होगा, 8 बार सब्जेक्ट चेंज होंगे, तो दोनों में बहुत फर्क बैठता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी में सिर्फ ऊपर की चीजें पढ़ा दी जाती है, वहीं पे बैचलर इन फार्मेसी में डीपली चीजें पढ़ाई जाती है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। आप जानते ही हैं 12th करने के अगर आपने की है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी से, तो आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं करियर की। तो करियर जैसे कि यहाँ पे आपका जो बैचलर इन फार्मेसी जो स्टूडेंट करता है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों में ही अपना करियर अच्छा बना सकता है, ठीक है। उसके बाद जो फार्मा बी फार्म करने के बाद कोई भी स्टूडेंट कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज में काम कर सकता है। वहीं पे जो डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले होते हैं वो भी किसी भी कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले तो कम पैसे की के लिए, जिससे कि स्टूडेंट्स का जो वो बोल सकते हैं एक तरीके से, जो BSc वाले होते हैं जिन्हें केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है वो उन्हें भी ले लेते हैं, जिससे कि पैसा कम देना पड़े, क्योंकि फार्मासिस्ट को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा अपॉइंट करने के लिए। तो ये सारी चीजें हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से बी फार्म आसान है भाई डी फार्म से, है ना।
तो ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि पहले तो हम डी फार्म कर लेते थे, 2 साल का कोर्स है, फटाफट करके निपट जाओ, अपना मेडिकल स्टोर डालो। लेकिन बेटा जो ये एक चीज आ गई है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई एग्जिट एग्जाम, ठीक है, जो ये आ गया है ना बेटा एग्जिट एग्जाम, अब इस एग्जिट एग्जाम में क्या होने वाला है, इसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना आपके, वो एमसीक्यू आने वाले हैं। एमसीक्यू आएंगे और इंस्ट्रक्शंस देखिए आप इसकी, उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ ये इंस्ट्रक्शंस है कि आपको बेटा क्या किया जाएगा, आप यहाँ हिंदी में पेपर दे सकते हो। और हिंदी में पेपर देने वाले, मैं अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश में, 70% बच्चे ऐसे हैं जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का पेपर हिंदी में देते हैं। और जो एग्जिट एग्जाम आपका आया है उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपका पेपर जो होगा वो इंग्लिश में होगा, पूरा पेपर इंग्लिश में होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। इसीलिए आपका जो सिलेबस चेंज किया गया है डी फार्म का, उसमें 20 एमसीक्यू कंपलसरी कर दिए हैं, 20 शॉर्ट क्वेश्चन, जिससे कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व करने की आदत हो जाए। लेकिन सारा पेपर इंग्लिश में होगा, एमसीक्यूज आपको समझने होंगे इंग्लिश में, उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स का एक आइडिया दिया गया है सिर्फ कि इनसे हो सकता है, बट एक पर्टिकुलर और एक परफेक्ट उन्होंने नहीं निकाला है कि कहाँ से कैसे पेपर आएगा। कोई मॉक आपके पास नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पहली बार पेपर होगा, दूसरी बार हम यहाँ बैठ के आइडिया लगा सकते हैं, अभी नहीं लगा सकते पेपर होना कैसे वाला है, ठीक है। तो अब बात ये हो जाती है कि जब आप डी फार्म ही करेंगे, डी फार्म करने के बाद कब आपका एग्जिट एग्जाम होगा, एग्जिट एग्जाम में मैं गारंटी देती हूँ 50% बच्चे तो क्लियर ही नहीं कर पाएंगे, किसके, जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, क्योंकि कंटेंट आने वाला है इंग्लिश में, सॉल्व करोगे इंग्लिश में, पढ़ोगे इंग्लिश में, समझोगे इंग्लिश में, ठीक है। पेपर देते आज तक आए हो आप हिंदी में, कैसे क्लियर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका ये एग्जिट एग्जाम में फंस जाते हो तो इसका मतलब है आप 6 महीने के लिए हो गए ब्लॉक, फिर 6 महीने बाद उसकी प्रिपरेशन करोगे, 6 महीने बाद पेपर दोगे, इसका मतलब क्या हो गया, पूरा वो साल भी खराब। कहने का मतलब यह है कि डिप्लोमा कोर्स के लिए अगर आप 3 साल अपने बर्बाद कर रहे हो, 3 साल आपके जा ही रहे हैं, तो इससे बढ़िया है बैचलर इन फार्मेसी कर लो, कितना फायदा आपका उसमें होने वाला है। क्यों फायदा होने वाला है, आपको 4 साल में 8 बार पेपर देने हैं, 8 बार अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इतनी नॉलेज हो जाएगी फार्मा की। साथ ही साथ अगर हायर एजुकेशन करना चाहते हो तो एम फार्म कर सकते हो, डायरेक्टली बी फार्म के बाद पीएचडी कर सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी भी ग्रेजुएट लेवल का जो भी एग्जाम होता है, कोई भी फॉर्म निकलता है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चारों तरफ से फायदा है बी फार्म करने का, ठीक है, मेरे हिसाब से। और आपका क्या इसमें मत है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ बी फार्म का हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। बी फार्म का जो भी बंदा है हमारे चैनल को फॉलो करो, हमारे चैनल को अगर आप फॉलो करते हो मेरी गारंटी है आप जॉब, आपको इतना बेहतरीन जॉब मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो जरूर अचीव करेंगे, बाकी लोगों की तरह 8,000 की सैलरी में जाके आप नहीं टिक जाएंगे, आप बहुत अच्छा अचीव करेंगे अगर आप हमारे चैनल को कंटिन्यू फॉलो करते हैं और जो स्ट्रेटेजी हम बताते हैं वही फॉलो करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको लिंक मिल जाएंगे कुछ डेमो वीडियोस के, वो डेमो लेक्चर जाके देखो और उनसे आइडिया लगाओ कि हमारे टीचर्स कितने अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपके बेसिक्स क्लियर हो सके और आप कहीं भी फार्मा फील्ड में तो मात ना खा पाओ, ठीक है। आज का मेरा ये वीडियो यही फिनिश होता है। अगर कोई भी डाउट है आपका इस वीडियो से रिलेटेड, बी फार्म, डी फार्म से रिलेटेड, फार्म डी से रिलेटेड, सारे डाउट्स आपके क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन टाइप करो, या तो आपको वही रिप्लाई मिल जाएगा या उसके लिए एक स्पेसिफिक और स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी। ओके, देन मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि सबको ये जानकारी मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।